हॉस्पिटल में आपको ऑपरेशन बोला है? सिकंदराबाद कौन सा हॉस्पिटल है जो आपको पेट के दर्द के कारण? कस्तूरी। वहाँ पे कोई गायनी डॉक्टर है, उन्होंने आपको चेक किया, आपके टेस्ट कराए, दवाई भी दी, आपको क्या बोला? है फिर रसोली बढ़ा के बता दी कि बढ़ गई रसोली? आराम क्यों नहीं हुआ फिर? फिर ऑपरेशन कौन से ने कर दिया? भाई स्टोन लग रहे हैं, सिर के साथ बच्चे हैं, वे अपने माता पिता के साथ बैठे, अपने बच्चों को संभाल कर रखिए भाई, आवाज ना करें। ये पूरे पेट में अभी दर्द है, दर्द है ना? एक बात मैं बताता हूँ, जैसे पूरे पेट में दर्द है बेटे, अभी मैंने आपका थोड़ा जाप किया, दर्द चला गया तो आपको ये पता चल जाएगा, दर्द नहीं गया तो आपको बीमारी है डॉक्टर की, और दर्द चला गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको मेरा है, जो भी कुछ है वो मेरा है, फिर यहीं रह के ठीक कराना है, ठीक है? मैं आज आपको बता दूँ, कन्फर्म कर दूँ शिवानी, ठीक है? आप लोग पीछे चले जाइए ना, आप लोग पीछे चले जाइए, ज़्यादा वो माता जी को खड़ा कर दीजिए, आपसे ये घूंघट निकालती है, मुझे घूंघट में कोई बात नहीं करनी है, मेरी तो बहन है, तुम तो जेठ हो, जेठ को वैसे भी शर्म आनी चाहिए, और ससुर को भी, बहू से दूर रहो, पीछे हो जाओ, चलिए। हरणिया नहीं देखता मैं, हाँ शिवानी नाम है ना बेटा? दिखा भाई फूंक लगाते हुए, दिख रहा है यहाँ से, दिखाएगा तब देखेगा, दिख रही है। बच्चे को पकड़ और पीछे खड़ी हो जाए यहाँ, मैंने ये नहीं कहा कि तू बच्चे को छोड़ दे अलग, इससे दूर खड़े हो, आंखों में देख शिवानी मेरे। शिवानी जब यहाँ खड़ी हुई उसको बेइंतहा पेट में दर्द था, और जो पेट में दर्द था उस दर्द के कारण डॉक्टरों ने इसको बोल दिया बच्चादानी का ऑपरेशन, बच्चादानी का ऑपरेशन, बच्चादानी का। क्या बच्चे इसके? यो एक लड़का, फिर भी बच्चादानी का ऑपरेशन बोल दिया, कोई और उपाय था ही नहीं डॉक्टर के पास। माता जी तू किसके साथ है, क्यों आ जा रही है, मुझे ये बता दे, क्यों घायल कर रही है हमारा दिल? बोलिए शनिदेव महाराज की। बच्चेदानी का ऑपरेशन, हाँ ये तो दर्द के कारण के लिए है ना। चल देख, बोलिए शनिदेव महाराज की। पेट के दर्द का कारण है प्रेत, पेट के दर्द का कारण है पित्राधिक दोष, पेट के दर्द का कारण है किसी के द्वारा दिया गया शाप, पेट के दर्द का कारण है देव दोष, पेट के दर्द का कारण है सास है, सास की बहू को नजर है, नजर किसी की भी लग जाए तेज ना लग सकता, मतलब तू ही ऐसी है देश में तेज फिर नजर लगती किसकी है, नहीं समझे? हर आदमी ये कहता है मेरी नजर नहीं लगती, तो फिर भाई नजर किसकी लगती है ये तो बता दो मुझे। शाबाश कला, तालियां मुझे। शिवानी खड़ी हो जा, खड़ी हो बेटा, तू एक बार पकड़ के अंदर पकड़े रखिए, वो किसी भी टाइम गिर सकती है। शिवानी पेट में दर्द बताइए आप, चलो है कहीं है? अच्छा तो उछल दोनों पैरों से, ऐसे ऐसे मार पहले, जय शनिदेव जय शनिदेव, और आ गया, जोर से मार जमीन पे, जितनी जोर से मार सकती है बेटे, और जोर से है, अब ना लग रहा? अच्छा अब लेट से, एक शिवानी लेती है और एक शिवानी बैठी है, पेट सीधा कर, पेट ऐसे नहीं लिखाया मैंने, सीधा पेट सीधा कर, मुंह से ही हटा बेटे, चुन्नी कोई जेठ नहीं है, कोई वो नहीं है यार, हाँ ले पेट पे हाथ,
दर्द हुआ नहीं, वो दर्द देखना है तूने, अंदर वाला सारे पेट पे सब तरफ। अगर इसके पेट में दर्द होता है ये चीखती या चिल्लाती, लेकिन भारत के डॉक्टर को ये समझ ही नहीं है उसको क्या है। भारत का डॉक्टर उसके एक बच्चे होने पे, बहुत कम उम्र होने पे, जिसकी इसकी उम्र होगी ज्यादा ज्यादा 26-27 साल बस। ए शिवानी बेटा तेरी उम्र कितनी है? 23 साल, 23 ही साल है। लो जी और भी 3 साल कर। लेकिन भारत के इस अंग्रेजी डॉक्टर को आंखों में ना लिहाज है ना शर्म है। रोग का कारण क्या है, रोग क्या है और दवाई क्या है? दवाई है डॉक्टर के पास केवल ऑपरेशन। क्या है? ऑपरेशन। हर माँ बहन को जहाँ पेट में दर्द है वो है शैतान से, वो है प्रेत से, वो है पितराधिक से। इसलिए आधा भारत क्रिश्चियन बन गया, एक दिन पूरा भारत क्रिश्चियन बन जाएगा। ठीक है, सभी चर्चों में तकरीबन आप चले जाएंगे, कुछ दिन बाद ये कहना चालू कर देते हैं अपने देवताओं को बाहर निकालो, जबकि उनका देवता हमारे देवता के रहते हुए कभी आ नहीं सकता अंदर, इतना डरता है हनुमान जी के गदा से, फिर भी ये कहते हैं। और शर्म किसी को है नहीं, फिर भी ये कहते हैं। आगे ने समझ में, जब चुनाव का दौर आता है तो क्रिश्चियन बना रहे हैं, और वैसे कभी संज्ञान लेते नहीं। मनु भैया इतनी वीडियो डाल रहे हैं, आगे ना अभी भी डाल दी, और केवल इसी कारण। वो शैतान को मानते हैं, हम मानते नहीं। हम ये कहते हैं हम ज्यादा पढ़े लिखे अंग्रेजों से, और अंग्रेज शैतान निकाल रहे हैं सारे जगत में हालेलुया कह के। ठीक है, हम ये भारत के अंग्रेज कहां से जन्म गए भाई, समझ में ही नहीं आता। हमारे यहाँ का बच्चा पढ़ लिख के कौन से आसमान पे कूद जाता है? ठीक है, जबकि धरा को छोड़ नहीं पाता है। हैं जी, अब खड़ी हो, अब चल यहां से वहां तक भागना और वहां से यहां तक आना है। हमने तेरा रोना देखा था, तेरा दर्द भी देखा था, भाग के जाना वहां तक जैसे भागते हैं बच्चे। चल तेजी के साथ बोलिए शनिदेव महाराज की। इलाज नहीं करूंगा मैं, भाग के जाना है। तेजी से और तेजी से। सोनू शर्मा जी, सोनू जी उसको छोड़ दे, उसको बात कर। कहाँ दर्द? पैरों में है, दोनों पैरों से उछल। फिर तुझे भागना नहीं आता? मैंने क्या कहा था, भाग के जाना, भाग के आना। जोर से मारना, तेजी के साथ वो भी। अब भाग के जा, भाग के आ। मुझे स्पीड चाहिए, स्पीड, जिसको 100 की स्पीड बोलते हैं। ध्यान नहीं है कोई तेरा जेब पे, वे तो गए दोनों। और तेजी के साथ, क्या घूंघट निकाल के आ रही है? बहू को भागते देख के कम से कम उनके पसीने तो छुटे रहेंगे, बहू भाग भी सकती है। बोले शनिदेव महाराज की। यहाँ बता बेटे, यहाँ आ गया कि जैसे पहले शरीर था कुमारी का, ऐसे लग रहा जैसे आप कुछ भी ना शरीर। माँ कसम, माँ कसम। अच्छा ताली बजा दे शनिदेव को। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं है शरीर के अंदर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पहले कुमारी को लगता था। कितना जालिम है भारत का अंग्रेजी डॉक्टर, कितना जालिम है। उसकी पढ़ाई किसने कराई है मुझे तो ये समझ में नहीं आती। आपने पढ़ाया भी ठीक है, परीक्षाओं में घपलेबाजी भी है, और डॉक्टर बनाने में कई कई करोड़ रुपया लग जाते हैं, और डॉक्टर बन के करता ये अपराध है, ये ही नहीं पता है क्या? और ऑपरेशन बोल दिया बच्चेदानी का। क्या बोला? बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। कितने पैसे बताए? पैसे पूछे ही नहीं, ऑपरेशन ही नहीं करा, कराना था। जिस तरह दर्द हो रहा था अब यही रहना है,
ठीक है जब तक ठीक ना हो ना, 3.5 लाख रुपए कम से कम खर्चा है, बर्बाद हो जाएंगे घर वाले और बच्चा दानी निकल के अंग बाहर, और अंग जो जीवन का मुख्य अंग है ठीक है वो भी बाहर, और उसको डॉक्टर निकालते हुए कोई शर्म नहीं बचेगा, कोई लिहाज नहीं उसकी आंखों में, उसको यही नहीं पता तू कर क्या रहा है, कितना बड़ा अपराध कर रहा है, तू देश का क्षय करने जा रहा है, देश तुझे टिका है, तेरे पे आशा लगाए बैठा है कि तू मेरा भगवान है और तू देश का विनाश कर रहा है, ठीक है देश की माताओं का बहनों का, आगे ना समझ, मैं इस विनाश को देख रहा हूँ बहुत साल से होते हुए, मैंने 20 साल तो हरियाणा में कन्याओं को जन्म ना लेते हुए देखा है, रो रही थी, बिलबिला रही थी, बिलख रही थी, है ना, हर गर्भ से कन्या की आवाज आ रही थी और डॉक्टर से कह रही थी कि मैं भी तेरी गुड़िया जैसी ही गुड़िया हूँ, वो तेरे मैं इनके सपनों की गुड़िया हूँ, पर डॉक्टर शर्माया नहीं, डॉक्टर को लिहाज नहीं आई, उसको पता ही नहीं चला कि इसके घर में भी गुड़िया आने दे, भाई तू कहाँ है, बीच में पैर अड़ा रहा है, ठीक है, अरे भाई ये बेटियां नहीं होंगी, तुम ससुरो निकम्मो रोटियां कहाँ से खाओगे, अरे बेटियां ही आपकी रोटियां हैं, वही माता पिता का आदर करती हैं, पैर दबाती हैं, माता पिता की सेवा करती हैं और भंवर जाल से निकाल के लेके आती है माता पिता को, पता चल जाए बेटी को कि भाई ने धक्का दे दिया थोड़ा सा और कहा सुनी हो गई, फौरन जालेगी बेचारी के प्राण सूख जाएंगे, जब तक मिल नहीं लेगी चैन नहीं आएगा, लेकिन उस डॉक्टर ने नहीं सोचा कि ये भी तेरी गुड़िया जैसी गुड़िया है, पेट काटा और बाहर चाहे 3 महीने का था गर्भ चाहे 4 महीने का था, 2 दशक तक हरियाणा वालों ने ये भुगता है, 2 दशक, तभी आज 1000 लड़कों पे 700 साढ़े 700 लड़कियां हैं, 250 लड़के कहाँ जाएंगे पता ही नहीं चलता, तब वे बंगाल असम हिमाचल ऐसे ऐसे क्षेत्रों की ओर रुख करते हैं जहाँ से नेपाल जहाँ से वो लड़कियां ला सके शादी करके, ठीक है, और वो सब घरों में वही आ गई है, चलो वो भी लड़कियां ही हैं, लेकिन हरियाणा की तो तकदीर ही बदल दी इन्होंने, बोलो जय श्री, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मेरे समाज में बुराई बहुत है, कमियाँ बहुत हैं, क्योंकि मेरे समाज में पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे अंग्रेज है मेरे समाज में, मेरे आसपास के सभी लोग अंग्रेज हो गए हैं, है ना, सब कहते हैं, देखते नहीं मनु भैया जैसा करके दिखा कौन रहा है, और पूछे कि प्रेत नहीं होता, उसी प्रेत को फिर बुला दूँ, फिर दर्द कर दूँ इसके शरीर में, कर दूँ, देखो ये कितनी डर रही है, उसी दर्द से तड़प के डॉक्टर से ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो गई, रात दिन अपने ससुर के लिए पट गई, माँ सास के लिए पट गई, नहीं माँ जल्दी कुछ करा दो मैं मर जाऊंगी वरना, इतनी पीड़ा है, और सास ससुर चिंतित हो गए, तब उनको किसी ने बता दिया, किसने बताया मनु भैया के बारे में, किसने बताया, हम तो खुद आ रहे हैं कई साल हो गए, अच्छा तुम आ रहे हो, फिर बहू को क्यों नहीं लाए कई साल से, बहू तो दोबारा आई है ना पिछले, जब तो एक महीना भी ना हुआ तो आई थी आपके पास, तो मतलब तुम कई साल से आ रहे हो, बहू को दोबारा ही लेके आए, अभी शादी अब कई तो हुई है, 2 साल हो गए, 2 साल में एक बच्चा हुआ है, और अब एकदम से वो निकलवा दो इसकी, हैं इसकी बच्चेदानी निकलवा दो, नहीं ये हम दो हमारे दो पे भी ना चले, ये हम दो हमारा एक पे चले, ये तो कह ही रही है मुझे, तू ही बता रहा, कौन कह रही है, जब दर्द में पीड़ा में है तो क्या, जब दर्द में और पीड़ा में तो है, और भारत का डॉक्टर खिलवाड़ कर रहा है, सरेआम नहीं दिख रहा है, बच्चादानी निकाल रहा है, कहाँ है बच्चादानी निकाल रहा है, भाई तू हिंदुओं का दुश्मन है क्या, बेटे अभी एक बहन जी देखी थी ना, जब सर में दर्द था सर का इलाज किया तब कुछ नहीं हुआ, डॉक्टरों से ठीक नहीं हुई, फिर सर को मारने लगी दीवार में, तब जो अंदर प्रेत था उसने जगह बदल ली, पैर में आ गया, बोला मार तू कभी नहीं दीवार को पैर पे, क्यों, क्योंकि वो हमें अंदर से उतना ही कोसता है, वो हम अपन हमारी बुद्धि के साथ जो कारण है वो बुद्धि वाला है, अरे तो जो कारण है वो बुद्धि वाला है, सपने खराब इसलिए आते हैं कि वो मलिन है, मलिनता के साथ कहीं भी रहोगे, कूड़े के ढेर पे सो सकती है क्या, बदबू नहीं आएगी, तुझे कूड़े के ढेर पे सोने के लिए बनाया है क्या, फिर कूड़ा तेरे साथ चल रहा है, सो जाएगी, नहीं समझे, वो हमें गाली दे रहा है जो अंदर है, आ गया समझ में, वो अपनी मर्जी से रहना चाहता है, सवेरे उठने नहीं देता, भगवान का नाम क्यों आने देगा, भगवान का नाम तू लेगी तू भगवान की हो जाएगी, फिर उसकी कहां से हो पाएगी, उसने तो अपना बना के रखना है सबको, ठीक है, वो तो कहता है क्या बोलता है वो, अरे भाई वो है जी कायम रहे, अंधेरा
अंधेरा कायम रहे, ठीक है, उसके लिए तो अंधेरा ही अंधेरा रहे, अंधेरे में वो सोएगा पढ़ के, ठीक है कि नहीं, आराम से, और उठने ही नहीं देगा, सवेरे चांद ना होने पर भी वो ये बताएगा अंधेरा हुआ अभी मत उठ, शरीर में दबाव दे देगा, ऐसे ही दबाव आता है। बोलिए शनिदेव महाराज की। यही रहना ठीक होना, चलो अगला है भाई ऑपरेशन वाला।